दोस्तों आज का नया दिन वापस हम लोग जिस्पा से निकल रहे हैं। अभी जिस्पा से निकल के बालारचा तक जाएंगे और थोड़ा सा ले मनाली हाईवे घूम करके दीपक ताल, सूरज ताल, ये सब जगह पे फोटो वगैरह खींचेंगे और खींच के आ जाएंगे वापस। वही सेम व्यू कल वाला। दोस्तों ये है वो रास्ता जहाँ से आप सीधे जाएंगे तो शिंकुला की तरफ, और हम लोग ये यहाँ से राइट ले रहे हैं विच इज़ लेह की तरफ। तो पीछे वाला जो रास्ता आपने देखा वो रास्ता जाता है शिंकुला और ये जाता है लेह की तरफ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी लेह की तरफ बिकॉज बालारचाला पास हमें जाना है। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वादियों की खूबसूरती बढ़ती जाएगी। आपको स्नो कैप माउंटेन, पूरा फॉगी वेदर दिख रहा होगा और आगे शायद बालारचाला में स्नो भी मिल जाए। और जाते जाते आपको यहाँ पे बहुत सारे लेक वगैरह मिलते हैं, जैसा दीपक ताल करके एक है, सूरज ताल करके एक है, तो वहाँ पे लोग रुक करके फ़ोटो वगैरह भी ले लेते हैं। बट खूबसूरती तो बयां के बाहर है। रास्ता भी बंद किया है तो हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा ऑफ रोड नीचे की तरफ। ये सामने का खूबसूरत सा व्यू। ये एक्चुअली पुराना वाला ब्रिज है और ये ब्रिज नया बना है, इसका भी कुछ रिपेयर का काम चल रहा है करके शायद हमको पुराने वाले ब्रिज से जाना पड़ेगा। सो दीज ब्रिज आर bridges are one at a time। so, बर्फ की पहली झलक हमारे राइट हैंड साइड पे। नहीं मिला तो एक बार बर्फ आराम से, कुछ है नहीं सर। यहाँ पे एक मारुति ऑल्टो फंस गई है, फिर वो फंसेगी, फिर वहाँ से निकलेगी, फिर हम लोग जाएंगे। इसको चलाना नहीं आता।
तो पहले ऐसे वाले एडवेंचर यहाँ पे पूरा रास्ता हुआ करता था, और जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे 2005, 6, 10 ये सब टाइम में, तभी हम लोग को ले जाने के लिए 3 दिन लगते थे ऐसे रोड पे। अभी रास्ता ऐसा मक्खन जैसा हो गया है कि लोग सवेरे निकलते हैं ले से और शाम को मनाली पहुंच जाते हैं। सो दिस इज जिंगजिंग बार। अभी बालारचाला के जस्ट पहले हम लोग हैं, और दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे बिल्कुल ही रास्ता नहीं हुआ करता था एक टाइम पे। मुझे याद है हम लोग यहाँ से पूरा नदी बहती थी और हम लोग इसके ऊपर से बाइक लेके जाते थे। अभी ये फुल ब्यूटीफुल प्लेस हो गया है। जो पूरी चढ़ाई दिख रही है ना, नहीं पहले यहाँ से पानी गिरता रहता था और ये पूरा रास्ता बना हुआ नहीं था। सामने पूरी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, हवा ठंडी होती जा रही है, और ये जो पूरा एरिया है ये फुल्ली लैंडस्लाइड एरिया है। सो आप पहाड़ों को देख के अंदाज लगा सकते हैं कितने यहाँ से पत्थर गिरते होंगे। ये सामने एक और स्नो, इस तरफ भी सामने बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। खूबसूरत सा व्यू सामने, स्नो कवर्ड। ये कहाँ चढ़ा दिया गाड़ी, हाँ कहीं तो चढ़ा दिया इसने गलती से पत्थर के ऊपर। शिट, मेरी बैटरी। आपको मिल जाएगा स्नो, ये देखिए। तो दोस्तों
ये है सूरज ताल, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा लेक है। ये इस बालारचाला के जस्ट पहले पड़ता है और अभी तो पूरा स्नो भी है साथ में और नीचे पानी है। काफ़ी खूबसूरत सा लेक है। जाने वाले अभी हम लोग बारालचा पास के थोड़े आगे आए वहाँ पे थोड़ा स्नो देखने के लिए। सुनो गए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ग्लव्स निकालनी पड़ती है ना। देख रहे हो कितना सारा स्नो है। माय गॉड वाओ सो प्रीटी राइट। अगर स्नो अच्छा रहेगा तो हम स्नोमैन बनाएंगे क्योंकि हमारे पास गाड़ी में गाजर भी है। उससे ओलाफ बनाएंगे और फिर ओलाफ को नेम करेंगे दूसरा वाला। बहुत मजा आएगा। ओह माय गॉड वाओ सो प्रिटी वंडरफुल। ओह माय गॉड वाओ। सो दोस्तों ये है बालारचाला पास का नज़ारा। हम लोग वो वहाँ से हाईवे है वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं और यहाँ पे फ्रेश स्नो है और स्नो जो है वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि यू नो किसी ने सजाया है स्नो को। ये देखिए सच अ ब्यूटीफुल वन। ये देखिए ये देखिए एकदम फुल्ली वाइट। सो दोस्तों ये है फेमस सूरज ताल। अभी हम लोग बालारचाला से वापस निकले तो सोचा आपको इसका एक व्यू दिखा दूं। बहुत ही खूबसूरत सा है। चारों साइड में पहाड़ है और बीच में एक मीठे पानी का लेक है और इसमें पूरे आसमान का रिफ्लेक्शन आता है। सो काफ़ी अच्छा दिखता है।